अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद अब दूरगामी प्रभाव इन परिणामों के क्या होंगे, इस पर लगातार चर्चाएं देश की राजनीति में जोर पकड़ रही हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कई जनसभाओं के बावजूद जिस तरह से जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन ने बीजेपी को पटखनी दी, उससे बिहार, दिल्ली और यूपी के जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनमें अलग अलग संभावनाओं को लेकर मंथन भी शुरू हो गया है। साल 2020 की शुरुआत में दिल्ली और साल के आखिरी समय में बिहार के विधानसभा चुनाव सबसे अहम माने जा रहे हैं। दिल्ली में भाजपा पिछले 20 सालों से सत्ता से बाहर है। लोकसभा चुनाव की बात छोड़ दें तो भाजपा दिल्ली में नगर निगम की पार्टी बनकर के रह गई है। अब झारखंड के नतीजों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जीत के लिए भी आश्वस्त सा कर दिया है। वैसे भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक मजबूत दावेदार मानी जा रही है। भाजपा के लिए इस स्थिति में चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। यूपी की राजनीति में आखिर झारखंड के नतीजों से क्या असर पड़ने वाला है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। बिहार में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड फिलहाल भाजपा के साथ है। दोनों का गठबंधन राज्य में जीत की गारंटी माना जाता रहा है, लेकिन चुनाव तक दोनों में सब ठीक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे भी तेजस्वी यादव आजकल नीतीश कुमार को एक नया नाम दे चुके हैं। वो नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहकर संबोधित करते हैं। बिहार में हाल ही में हुए उपचुनाव के नतीजों में भी दिखा कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को आरजेडी किस तरह से कड़ी टक्कर दे सकती है। बिहार के एक भाजपा नेता का कहना है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का जादू चल जाता है और राज्यों के चुनावों में पीएम का चेहरा वोट बूस्टर का काम करता है, लेकिन भाजपा के पास उसके राज्यों में कोई प्रभावी चेहरे ही नजर नहीं आते जो खुद के काम या खुद के चेहरे पर वोटर को इकट्ठा कर सके और बिहार में आने वाले चुनावों में इसका असर दिखाई दे सकता है। साथ ही तेजस्वी यादव बिहार में कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियों और अन्य कई छोटे दलों के साथ मिलकर भाजपा जेडीयू को पटकनी देने का प्रयास कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूपी की। रही बात यूपी की तो 2022 में होने वाले चुनावी संग्राम के लिए यहां राजनीतिक तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सत्तारूढ़ भाजपा को प्रहार करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पहले से ही यूपी के अंदर कटघरे में है। झारखंड के नतीजों के बाद विपक्षी अब और भी मुखर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी के एक भाजपा नेता की माने तो उनका कहना है कि झारखंड के नतीजे भाजपा के लिए झटका नहीं है, लेकिन चौंकाने वाले बिल्कुल है। वहां के इस तरह के नतीजों की जमीन शायद पहले से ही बन चुकी थी, लेकिन यूपी में ऐसा देखने को मिलेगा इसकी संभावनाएं नहीं है। अगर विपक्ष महागठबंधन की शक्ल में उतरा तो भाजपा को यूपी में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। भाजपा नेतृत्व को यह तय करना पड़ेगा कि वह राज्यों में किस हद तक स्थानीय छत्रपों के भरोसे रह सकती है, साथ ही सत्ता में होने पर सत्ता व संगठन में कैसे बेहतर समन्वय रखा जाए, इस पर भी पार्टी अब काम कर रही है। दूसरी ओर पिछले अनुभवों के आधार पर अखिलेश यादव ने आगामी चुनावों में किसी भी प्रकार के गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है। अखिलेश यादव को लगता है कि वह यूपी में एक मजबूत स्थिति में है और गठबंधन के नाम पर अन्य दल उन्हें कमजोर करने का ही प्रयास अभी तक करते रहे हैं। अगर अखिलेश यादव यूपी चुनाव को बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी प्रोजेक्ट करने में सफल रहते हैं तो अन्य दलों यानी कि कांग्रेस और बसपा को किनारे लगते देर नहीं लगेगी और इसी लाइन पर समाजवादी पार्टी को वो ले जाने का काम कर भी रहे हैं। अब आने वाले समय में झारखंड के नतीजों का अन्य राज्यों के चुनावों पर क्या कुछ असर पड़ेगा या हर राज्य की जो भी कहानी है वो अलग अलग ही दिखाई देगी, ये तो अब आने वाला समय ही बता सकेगा।